इस्लामी ममालिक की सरबराही तंजीम OIC का हंगामी इजलास जारी है। OIC का हंगामी इजलास सऊदी अरब की दरख्वास्त पर तलब किया गया, जिसकी मेजबानी सऊदी अरब कर रहा है। अरब नशरियाती अदारे के मुताबिक इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने इसराइली बर्बरियत की शदीद मुजम्मत करते हुए इसराइली हमलों को बुनियादी इंसानी हकूक और अहलाकियात के खिलाफ इकदाम करार दिया। इससे पहले सलामती कौंसिल का होने वाला इजलास अमेरिका ने मुलतवी करवा दिया था। इसराइल ने इससे फायदा उठाकर गजा पर बमबारी की और तबाही फैला दी। सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइली जारियत रोके। उन्होंने कहा कि बैतुल मुकद्दस फलस्तीनियों की जमीन है, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। OIC के इजलास में कुछ मुस्लिम ममालिक ने अपनी फौज फलस्तीन भेजने का भी फैसला किया है, जिनमें पाकिस्तान और तुर्की सरपरस्त हैं।